देश में कोरोना वायरस लगातार अपना पैर पसार रहा है, जिसके चलते आम जनता से घरों में रहने की अपील की जा रही है, जिससे कोरोना वायरस ना फैले। तो वहीं कोरोना की इस लड़ाई में कोरोना योद्धा दिन रात देश की सेवा कर रहे हैं, जिसको लेकर प्रयागराज के लोगों ने कोरोना योद्धाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए उनका सम्मान किया और साथ ही स्वास्थ्य के लिए दुआ मांगी। वहीं कोरोना योद्धाओं का स्वागत कर रहे लोगों से बात की हमारे संवाददाता ने। चल रहे लॉकडाउन के दौरान कोरोना वॉरियर्स एक मिसाल के तौर पर पेश आए हैं। ऐसे में हम मौजूद हैं प्रयागराज में और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रयागराज की आम जनता है। कोरोना वॉरियर्स वो हैं जो पुलिसकर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, जो लगातार अगर हम बात करें तो पूरे लॉकडाउन के दौरान जिन्होंने लगातार अपनी सेवाएं दी हैं और अब प्रयागराज की जनता उनको क्या कहना चाहती है वो हम उनसे बातचीत करते हैं। कोरोना वॉरियर्स एक मिसाल के तौर पर पेश आए हैं, क्या कहना चाहती हैं और कितना उनको धन्यवाद आप दे रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब से लॉकडाउन की शुरुआत हुई है मार्च से और तब से लेके जब तक 31 मई तक कोरोना योद्धाओं के रूप में हमारे सफाई कर्मी, हमारे स्वास्थ्य कर्मी, हमारे प्रशासन के लोग निरंतर इन लोगों ने जो है काम किया है। हमारे निगम के चाहे सफाई कर्मियों की अगर हम बात कर लेते हैं तो उन्होंने साफ सफाई की व्यवस्था से लेके सैनिटाइजेशन से लेके सारी व्यवस्थाओं को उन्होंने दुरुस्त रखा। जहाँ से भी प्रवासी जो बाहर से आ रहे थे उनके घर में जाके उनको सैनिटाइजेशन करना, उनको बताना, ये उनके लिए बहुत ही मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोगों ने जो है उनको निरंतर सम्मानित भी किया। चाहे हमारे प्रशासन के लोग हों, चाहे हमारे स्वास्थ्यकर्मी हों, हमारे मेडिकल के हमारे यहाँ पर बीमा अस्पताल है, कई जो अस्पताल हैं वहाँ पर डॉक्टर्स निरंतर अपनी ड्यूटी देते रहे, प्रशासन हमेशा डटा रहा, इसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमेशा हम उनके लिए प्रार्थना करते रहे कि वो स्वस्थ रहे, तभी आज हमारा वार्ड, हमारी क्षेत्र की जनता जो है इतना नहीं प्रयागराज में उतने बड़े हैं जितने बढ़ने चाहिए थे, तो हम लोग सेफ हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान। आप देख सकते हैं कि धन्यवाद दे रहे हैं जी। आप बताइए कि क्या कहना चाहती हैं उन वॉरियर्स के लिए जो हमेशा निरंतर लगातार इन लोग ने काम किया है। हम प्रयागराज से हैं, मेरा सावित्री सिंह नाम है। हमारे वार्ड में सब लोगों ने मिलकर के सफाई कर्मी और पुलिस वगैरह हर चौराहे पे देखे गए। और लॉकडाउन के दौरान सभासद मैडम हमारे वार्ड की एक एक घरों में जा कर के उन्होंने अपने हाथ से पोषाहार वितरण किया और काफ़ी देखभाल की। एक फ़ोन पर वो मौजूद हो जाती थी उनके लिए और सभी लोगों के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कर रहे हैं जी। आप बताइए कि कितना आप लोग को अब गर्व महसूस होता है क्योंकि जो वॉरियर्स का जो इन लोगों को दर्जा दिया गया है प्रधानमंत्री जी ने दिया है और अब ऐसे में ये लोग लगातार काम कर रहे हैं अपना रिस्क लेकर, कितना आप धन्यवाद दे रही हैं और क्या क्या आप इनके लिए? मैं पहले तो अपने सभासद और मेहर को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे साफ सफाई की तरफ बहुत ध्यान दे करके हर एक आदमी को घर घर में जाकर के उनको बताना, कोरोना के बारे में बताना, इतना इस वजह से मास्क पहनना। प्रयागराज पे इतना अच्छा कोई काम नहीं किया जितना हमारे सभासद ने अपने वार्ड में किया है। मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ और बहुत धन्यवाद दे रही जी। आप बताइए कि आप लोग जब घर में थे तो पुलिसकर्मी लोग बैरिगेटिंग लगा करके डॉक्टर्स लोग अपना काम कर रहे थे, कितना धन्यवाद दे रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं हमको, हम सबको और कर्मचारियों को भी दे रहे हैं और हमारे जो वार्ड की जो सभासद है इन्होंने यहाँ काफी छिड़काव करवाया और योद्धाओं ने काम किया है। नहीं किया, हमारे सफाई कर्मचारियों ने बहुत काम किया है, पुलिस वालों ने भी किया है, उनको सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि प्रयागराज की जनता है वो कोरोना वॉरियर्स को धन्यवाद दे रही है और तब यही दुआ भी मांग रहे हैं कि जब तक ये कोरोना काल चल रहा है ऐसे ही कोरोना जो वॉरियर्स हैं वो सामने आए और डट करके इसका सामना करें। वीडियो जर्नलिस्ट संघ उपाध्याय के साथ सैयद आखिर लाइव टुडे प्रयागराज।